हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आपका जिंदगी में आप लोग सही होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो काम आप लोग देख पा रहे हो, ये सब काम अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आज हम लोग इस वीडियो में इस सब सीलिंग में किस तरह प्रोफाइल लाइट लगाते हैं, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, जो जिप्सम सीलिंग होता है, इसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगाने के लिए ज़रूरत के हिसाब से हम लोग दोस्तों टूल्स यूज किए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो जिप्सम शीट है दोस्तों, इसके अंदर आज हम लोग प्रोफाइल लाइट को सेट करके आप लोग को बताने वाले हैं। जो थोड़ा सा चालाक बंदा होगा दोस्तों, ये आसानी से समझ जाएगा किस तरफ दोस्तों सीलिंग में लगाना होता है। तो इसमें दोस्तों आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। हम लोग इसको नीचे डाल के दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग सेट कर रहे हैं। जो सीलिंग में जो भी हम लोग सेट करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो आप लोग देख पा रहे हो हम लोग किस तरफ इसमें मार्किंग वगैरह कर रहे हैं। मार्किंग करने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो हम लोग कटिंग करने वाले हैं। तो पहले हम लोग दोस्तों प्रोफाइल लाइट के हिसाब से मार्किंग कर लिए। मार्किंग करने के बाद आप लोग देख पा रहे हो हम लोग ये जो कटर, पेपर कटर है दोस्तों टापरिया का, इसको हम लोग यूज लेने वाले हैं कटिंग करने के लिए। ज़्यादातर बंदा दोस्तों कटर मशीन का यूज लेते हैं, बट कटर मशीन हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जिप्सम शीट में कटिंग करने का टाइम दोस्तों बहुत सारा डस्ट उठता है, और ज़्यादा से जितना हम लोग का ज़रूरत होता है, ज़रूरत के हिसाब से दोस्तों हम लोग कटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि कटर मशीन चलाने का टाइम दोस्तों ज़्यादा कटिंग हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में देख पाओगे दोस्तों, हम लोग पेपर कटर की मदद से किस तरफ दोस्तों ये जिप्सम शीट को कटिंग करने वाले हैं। इस तरफ हम लोग सीलिंग में सेम टू सेम दोस्तों इस तरफ कटिंग करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो पेपर कटर के मदद से हम लोग थोड़ा बहुत कटिंग कर लिए। कटिंग करने के बाद जिप्सम शीट का जो ऊपर वाला पेपर का लेयर है, इसको हम लोग इस तरफ दोस्तों निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो इस तरफ दोस्तों हम लोग जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके अंदर झीरी निकालते हैं। वाल में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग चिजल और हमार के मदद से निकालते हैं, बट जिप्सम में दोस्तों ऐसे नहीं होता है। हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोस्तों इस तरफ झीरी निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो हम लोग प्रॉपर भी झीरी निकाल लें। निकालने के बाद दोस्तों हम लोग एक बार प्रोफाइल को भी सेट करके देख रहे हैं, इसमें अच्छा से सेट हो रहा है कि नहीं। तो फाइनली आप लोग देख पा रहे हो हम लोग प्रॉपर दोस्तों फिनिशिंग के साथ दोस्तों झीरी निकाल लिए हैं पेपर कटर और स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो आप लोग देख पा रहे हो इसमें हम लोग का जो प्रोफाइल है प्रॉपर सेट हो रहा है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं जो प्रोफाइल में हम लोग एलईडी लगा के रखे हैं, इसमें दोस्तों हम लोग एलईडी नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये डेमो के लिए हम लोग रखे थे, तो इस वजह से इसमें एलईडी लगा हुआ है। तो आप लोग जो भी सेट करोगे दोस्तों, पहले दोस्तों प्रोफाइल को सेट करिए, बाद में दोस्तों जो भी कलर वगैरह हो जाएगा इसमें आप लोग दोस्तों एलईडी को सेट कर सकते हो। तो आप लोग देख पा रहे हो ये जो प्रोफाइल हम लोग का प्रॉपर सेट हो रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हो इस तरफ दोस्तों हम लोग सीलिंग में भी सेट करते हैं। फाइनली दोस्तों इस तरफ प्रॉपर सेट होने के बाद आप लोग बीच बीच में दोस्तों जो जिप्सम स्क्रू आता है इसमें लगा लीजिए, नहीं तो दोस्तों आप लोग का जो प्रोफाइल लाइट है अच्छा से सेट नहीं होगा। तो इस वजह से दोस्तों हम लोग जो जिप्सम स्क्रू लगा लेते हैं, और जो गैप होता है ये तो पुट्टी वाला दोस्तों भुज इसका जो गैप को फुलफिल कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो फाइनली इस तरफ दोस्तों हम लोग प्रोफाइल को सेट करते हैं। और दोस्तों ये एक न्यू चैनल है, इस वजह से इसका सब्सक्राइबर बेस कम है, तो इस वजह से आप लोग चैनल को इग्नोर मत करिए, क्योंकि दोस्तों आप लोग इस चैनल में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड काम देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए।